हेलो नमस्कार, प्रणाम पलाक, आप सभी को स्वागत है आपका सुजाता किचन में। आज मैं बनाऊंगी तेल वाली आम की लोजी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कम तेल और कम मसालों से ये बनके तैयार होती है। खाने में ये उतनी स्वादिष्ट भी होती है। अगर आप भी बनाना सीखना चाहती हैं तेल वाली लोजी, लंबे समय तक स्टोर करके कैसे रखना है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। झटपट से बनने वाली इस आम की लोजी को बनाना हम शुरू करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आम लिए हैं। आम को साफ करके धो लिया है। मैंने 3-4 घंटे पहले आम को धो लिए थे, तो पानी सूख चुका है आम का। अब आम के ऊपर की डंठल को कट करना है। गुठली को अलग कर लेना है। आम को थोड़ा छोटा ही कट करेंगे। सभी आम को कट कर लिया है। अब गैस ऑन करके पैन रखते हैं। लेते हैं 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच मेथी दाना, 7 से 8 लाल मिर्च साबुत। सभी चीजों को हल्का सा भून लेते हैं। 2 मिनट लो फ्लेम में मसाले को भी अच्छे से भून लिया है। ज्यादा नहीं, मसालों का कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा भूनने हैं। गैस को बंद कर लेते हैं। अब मिर्ची को अलग निकाल लेते हैं इसमें से। आप चाहें तो मिर्ची को पीस सकते हैं। मैं मिर्ची को यहाँ साबुत डालूंगी, इसलिए मिर्ची को निकाल लेते हैं। और मेथी और सौंफ को हमने पीसना है दरदरा, तो मैं इसे यहाँ पे ओखली में डाल देती हूँ। अब सौंफ और मेथी को दरदरा क्रश कर लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सी में ही पीस सकते हैं, दरदरा ही पीसना है। सौंफ और मेथी को भी दरदरा यहाँ पर पीस लिया है। अब गैस को ऑन करके पैन रखना है। यहाँ पे लेते हैं सरसों का तेल, आधा कटोरी से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। अगर आप आम के अचार को 1 साल तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप इसमें तेल बढ़ाकर डालें। तेल इतना डालें आम डुबो जाए, उतना तेल डालना है। वो आप बाद में भी डाल सकते हैं। कंटेनर में आम डालने के बाद भी आप तेल को इसी तरह से गर्म करके ठंडा कर लेना है, फिर कंटेनर में आप डाल सकते हैं। जितने आम डूबो जाएं उतना तेल लेना है, अगर आप 1 साल तक आम के अचार को स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो तेल को हम धुआं आने तक गर्म कर लेते हैं। तेल भी धुआं आने तक गर्म हो गया है, तो इसमें कटे हुए आम, आपको यहाँ पे हमने सॉफ्ट करना है। 3 से 4 मिनट पका लेते हैं तेल के साथ। 3 से 4 मिनट आम को पका लिया है। आम भी अब सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसमें डाल देते हैं क्रश किया हुआ मेथी और सौंफ, नमक 2 चम्मच या फिर भी नमक स्वाद अनुसार डालें, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1.5 बड़े चम्मच, साबुत लाल मिर्च, आप इसकी जगह हरी मिर्च भी ले सकते हैं या फिर मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। सभी चीजों को मिला लेते हैं अच्छे से। एक चम्मच हींग, सभी चीजों को मिला लेते हैं और गैस को साथ में ही बंद कर लेते हैं। आम के बहुत ही अच्छा आम का अचार बना है। अब आम के अचार को निकाल लेते हैं हम एक प्याले में। आम के
तेल वाली लौजी बनके तैयार है। इसे प्याले में निकाल लेते हैं। बहुत ही कम तेल में तेल वाली लौजी बनी है। अगर आपको इसे लंबे समय तक स्टोर करना है तो मैंने पहले बताया था, आप इसमें बाद में भी तेल ऐड कर सकते हैं। तेल उतना लेना है जितना आम अच्छे से डुबो जाए, उतना तेल आप ले सकते हैं। तेल को गर्म करने के बाद ठंडा कर लेना है सरसों के तेल को, जिस कंटेनर में आप रख रहे हैं उस कंटेनर में। आम की तेल वाली लौजी को आप भी बनाइए, खाइए। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, उससे मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। मिलती हूँ मैं कल फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।